आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं तान्या मौर्य, आपके साथ स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सीएम योगी के कार्यकाल में विकास की नई गाथा लिखने को तैयार यूपी में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है, जो निवेशकों को यूपी की तरफ आकर्षित करने का काम करेगा। 3 जून को होने वाली इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में क्या कुछ खास है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। निवेश का महाकुंभ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में रोजगार की सौगात। यूपी का विकास, निवेशकों की भरमार। सीएम योगी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा। यूपी के विकास और छवि सुधारने की राह पर निकले सीएम योगी ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही कई ऐसे निर्णय लिए जिसने जनता को उनके पक्ष में लाने का काम किया। बजट के दौरान भी सीएम ने महिलाओं, किसानों और गरीबों को सौगात दी, तो वहीं अब बारी व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए काम करने की है। दरअसल यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है। 3 जून को होने वाली इस सेरेमनी में देशों और विदेशों के उद्योगपति हिस्सा लेंगे, जिनके लिए राज्य सरकार ने खास उपहारों की व्यवस्था की है। ये उपहार प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत प्रोत्साहित किए जा रहे प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प के नमूने होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कल ग्राउंड ब्रेकिंग 3 का सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को पूरी तरह से सजा दिया गया है। सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजामात किए गए हैं, मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 80,000 निवेश की बातें कही जा रही है। वहीं आपको बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सफाई को लेकर भी कहीं ना कहीं जो नगर निगम है वो पूरी तरह से अपने काम को पूरा कर चुका है। आप देख सकते हैं कि सड़कों को पूरी तरह से साफ किया गया है, साथ ही साथ फूल पत्तियां भी लगाई गई हैं। फूल पत्तियों के साथ आपको बताएं कि कल प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री की शिरकत के बाद कल इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और आपको बताएं कि प्रदेश के 5,00,000 युवाओं को रोजगार देने के भी आसार की बात की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी 1400 प्रोजेक्टों का शिलान्यास करेंगे, जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट पश्चिमांचल और दूसरे नंबर पर पूर्वांचल और तीसरे नंबर पर मध्यांचल और चौथे नंबर पर बुंदेलखंड क्षेत्र होगा। तो देखने वाली बात होगी कि जहां देश और विदेशों से निवेशक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में निवेश करने, ये कहाँ तक कारगर साबित होता है। उद्योगपतियों और निवेशकों के बीच उत्तर प्रदेश की एक आकर्षक निवेश गंतव्य की तस्वीर पेश करने के लिए सरकार ने तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए विशेष तौर पर बुक तैयार कराई है। 120 पन्नों की इस पुस्तिका में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के लिहाज से यूपी को निवेश का उत्कृष्ट स्थान बताया गया है। साथ ही प्रदेश में चल रही फ्लैगशिप परियोजनाओं की जानकारी दी गई है। सुशासन के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए तैयार की गई निवेश प्रोत्साहन नीतियों का गुलदस्ता भी पेश किया गया है। यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 के साथ ही पहली और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की खासियतें भी बताई गई हैं। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जमीन पर उतारी जाने वाली निवेश परियोजनाओं की सेक्टरवार फांट भी दी गई है। साथ ही उन 29 कंपनियों का विवरण भी दिया गया है जिनके 500 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। ये सेरेमनी प्रदेश के विकास को रफ्तार देने का काम करेगी, जिसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी उद्योगपति शामिल होंगे। पहली दूसरी के तर्ज पर 3 जून को होने वाली तीसरी GBC भी भव्य और ऐतिहासिक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।